यूपी के जिला फरुखाबाद से खबर है। जिले में नर्सिंग स्टाफ की गुंडई के चलते आम जनता के साथ लोहिया अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों से हो रहे दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लोहिया अस्पताल के वार्ड नंबर F7 में भर्ती मरीज प्रशांत कुमार के परिजन ने जब महिला नर्सिंग स्टाफ राजेश कुमारी से एक्सरे करने की जानकारी मांगी तो महिला कर्मचारी भड़क गई और परिजनों के साथ तीखी नोकझोंक होने लगी। जब परिजन ने उनके उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही तो महिला नर्स कर्मचारी बोली कि मैं किसी से नहीं डरती। नाम तो आपको बताना पड़ेगा, आप यहाँ नहीं बताओगी, आप आगे बताओगी, अपने अधिकारियों को बताओगी नाम? चलो ठीक है, नहीं बताओगी। अच्छा, अधिकारी आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं? जो आपके उच्च अधिकारी मायने नहीं रखते आपके लिए? नहीं, कोई जानकारी ले रहे तो आप दे नहीं सकते, आप कह रहे हो फालतू बोल रहे हैं। बता दें कि लोहिया अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ की मनमानी बढ़ती जा रही है। भाजपा सरकार जहां आम जनता की मदद का दावा करती है, वहीं प्रशासन के कर्मचारी जनता के साथ गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे मामलों में जाँच होनी चाहिए ताकि जनता को परेशान न किया जाए।